हर हर महादेव दोस्तों, भक्ति सागर सोनी का चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आपको सुना रहे हैं शिव महापुराण की कथा का पांचवा खंड, जिसमें आज हम आपको 31 से लेकर 40 तक के 10 अध्याय सुनाएंगे। पीछे वाले अध्यायों में हमने सुना कि किस प्रकार गोलोक से शापित होकर सुदामा जी ने शंखचूड के रूप में जन्म लिया और राक्षस हो गए, और अब हम सुनाएंगे कि किस प्रकार भगवान शिव ने शंखचूड को वध किया। पिछले अध्याय में हमने सुना कैसे शिव जी ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा था और देवताओं ने शिव जी की शरण ली थी। अब आगे की कथा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और पीछे की कथा सुनने के लिए लिंक में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। तो आइए कथा आरम्भ करते हैं। आज की कथा में हम सुनाएंगे कि शिव जी का गणों सहित शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए जाना, शंखचूड़ द्वारा अपनी रानी से युद्ध के संबंध में सम्मति लेना, और शंखचूड़ द्वारा दूत भेजकर शिव से सम्मति लेना, दूत से संदेश पाकर शंखचूड़ का शिव जी पर चढ़ाई करना, वीरभद्र का शंखचूड़ से युद्ध, काली जी का युद्ध, शिव जी का युद्ध और शिव जी द्वारा शंखचूड़ का वध, विष्णु जी द्वारा शंखचूड़ का स्वरूप धारण कर तुलसी के घर जाना, और अंधकासुर का देवताओं पर विजय प्राप्त करना। एक नया और आज दैत्य की कथा आएगी अंधकासुर की। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शिव जी पुष्पदंत द्वारा शंखचूड़ के ऐसे कठोर वचन सुनकर क्रोधित हुए तथा अपने गणों को आज्ञा दी कि सब तैयार हो जाओ, अब तो युद्ध ही होगा। शिव जी की ऐसी आज्ञा सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए, बाजे बजने लगे कि अब शंखचूड़ का वध करने के लिए जाएंगे। गणपति अपनी सेना सहित वहां पधारे। इतने कहकर शिव जी शस्त्र आदि लेकर बैल पर चढ़कर चल दिए। कैलाश पर्वत के बाहर पहुंचकर ठहर गए। बड़े बड़े सेनापति गण, वीरभद्र, नंदी, महाकाल, वाण, सुभद्रक, विकृत, पिंगलाक्ष, बड़े बड़े सेनापति सब आए। हे नारद, इतनी विशाल सेना के स्वामी वीरभद्र हुए। वीरभद्र की रक्षा के लिए भवानी शस्त्र पूजा धारण कर किए विमान पर चढ़कर आई। उनके वस्त्र लाल थे तथा वे मुंडों की माला पहने हुई थी। उनके हाथ में खप्पर था, अनेक प्रकार के शस्त्र थे, उनके पीछे देवता आदि सेना थी। इंद्र, वरुण, कुबेर सभी उनके साथ थे, नवग्रह उनके साथ थे। ये सब शिव जी की सेना के साथ आए और शिव जी ने सबको अलग अलग बिठाया तथा कृपा दृष्टि से विंध्याभाग नदी के तट पर एक बरगद वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। जब पुष्पदंत शंखचूड़ के पास चले आए तब शंखचूड़ अपनी रानी के साथ आ गया और प्रातःकाल शिव जी से युद्ध करने का वरदान उसे कहा। उसे सुनकर रानी शोकाकुल होकर रोने लगी तथा बोली, नाथ, शिव के सब अधीन हैं, आप उनसे युद्ध करते हैं, आपको यह उचित नहीं, आप उनसे वैर ना करें, क्योंकि शिव से वैर करके आज तक कोई जीवित नहीं रह सका। हे स्वामी, कल रात्रि को मैंने एक बुरा स्वप्न देखा, मेरा बाया अंग फड़का है, यह अपशगुन देखकर आपके शिव से युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब दाया अंग फड़कता है तो कुछ ना कुछ अशुभ जरूर होता है। शंखचूड़ ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। हे प्रिय, दुख की कोई बात नहीं, तीनों लोकों में सब कार्य समय अनुसार ही होते हैं, समय पर ही अच्छी तथा बुरी बातें, सुख दुख, वृक्ष और पुष्पों का फलना फूलना, देवताओं तथा सृष्टि उत्पत्ति, संसार का जीवन मरण तथा अंतकाल आदि सभी कार्य होते हैं। हे नारद, शंखचूड़ ने इस प्रकार अपनी स्त्री को समझाकर उसके साथ विहार किया और अपने धर्म को भूल गया। उसकी स्त्री को यह भोग करना अच्छा न लगा, क्योंकि वह सदा शिव के साथ युद्ध करने जा रहा था, परंतु शंखचूड़ उसे बहुत कुछ समझाकर भोग विलास करता रहा। प्रातःकाल उठकर उसने अपने पुत्र को तिलक दे दिया, फिर अपनी रानी को रोते हुए देखकर अपने पुत्र को देश दिया तथा स्त्री को उसे सौंपकर शिव के साथ युद्ध करने के लिए चला गया। उसने सेनापति को बुलाकर कहा कि आज हमारी परीक्षा का दिन है, इसलिए तुम अपनी संपूर्ण सेना लेकर आना। शिव जी देवताओं को राजा देने तथा मुझे अपने अधीन करने की इच्छा रखते हैं, इसलिए चलकर भलीभांति युद्ध करेंगे। यह आज्ञा देकर शंखचूड़ घर से निकला तथा सोने चांदी के विमान पर चढ़कर शिव जी के पास साथ युद्ध करने चल दिया। उसी समय युद्ध में बाजे बजने लगे। तब सेना साथ सेनापति प्रसन्नतापूर्वक चले जा रहे थे, शंखचूड़ स्थान पर आ गया जहाँ शिव जी विराजमान थे। वहां पहुंचकर वह राजनीति का स्मरण कर शिव जी की सेना से कुछ दूर पर ही ठहर गया। शंखचूड़ ने एक दूत भेजा, वह दूत वहां से शिव जी के पास गया और शिवप्रा नदी के पास जहां शिव जी के विराजमान थे पहुंचकर उसने शिव को प्रणाम किया और कहा कि शंखचूड़ ने यह पूछा है कि आपकी क्या इच्छा है, युद्ध करना है। तुम शंखचूड़ को हमारी ओर से
जाकर यह कह देना। शिव बोले कि तुम मुर्ज के वंशज हो तथा सुदामा तुम्हारा नाम था। पिछले जन्म में तुम श्री कृष्ण के मित्र थे, परंतु राधा के श्राप से इस जन्म में दैत्य हो गए। इसलिए तुमको उचित है कि पूर्व जन्म में धर्म का स्मरण कर देवताओं के साथ शत्रु का ना रखो। तुम योग्यता पूर्वक राज्य करो तथा देवताओं को हर प्रकार से सुख पहुँचाओ। तुम तथा समस्त देवता कश्यप मुनि द्वारा उत्पन्न किए हुए हो, इसीलिए तुमसे किसी प्रकार का अंतर नहीं। सबसे बड़ा पाप अपने बंधु बांधवों से शत्रुता रखना है, और वो ही तुम कर रहे हो। शिव जी ने इसी प्रकार बहुत से उपदेश देकर वेद तथा धर्मशास्त्र की नीति दूत को समझाई। हे नारद, उसे सुनकर दूत ने उत्तर दिया कि शिव जी, आपने जो कहा परस्पर की शत्रुता दुखदायी होती है परंतु सत्य है, परंतु विष्णु जी ने राजा बलि के साथ छल करके उसका नगर एवं राज्य छीन लिया, उनको पताल भेज दिया। क्या उन्होंने यह उचित किया था? क्या उनको यह भी उचित था कि उन्होंने बलि के पिता को मार डाला? जब देवताओं और दैत्यों ने सागर मंथन किया, तब देवताओं को अमृत क्यों मिला, दैत्यों को क्यों नहीं दिया गया? महिषासुर को देवी जी ने बिना किसी दोष के क्यों मारा? फिर तारक तथा त्रिपुर भी मारे गए, अंधक गज जलंधर आदि की मृत्यु हुई। क्या देवता बुद्धिहीन थे? उन्हें यह मालूम नहीं था कि अपने भाइयों के साथ शत्रुता करना पाप है? क्या आप इसको जातिद्रोह नहीं कहेंगे? हे शिव, आपको उचित है कि देवता तथा दैत्यों के युद्ध में आप ईश्वर होकर पक्षपात ना करें, क्योंकि शत्रुता और मित्रता समान लोगों से होती है। आप जैसे ईश्वर तथा स्वामी को यह उचित नहीं कि आप हमारे साथ युद्ध करें? क्या आपको ऐसे कार्य पर लज्जा नहीं आती? नारद दूत की इस बात को सुनकर शिव हंसने लगे। बोले दूत, हम किसी का पक्षपात नहीं करते। अब हमारे उपस्थित होने का कारण यह है कि इंद्र आदि देवता हमारी शरण में आए हैं। तुम शंखचूड़ से जाकर कहना कि सब दैत्यों से बड़े हो तथा कृष्ण रूपी विष्णु जी के परम भक्त हो, इसलिए तुम भी उनके समान परम उत्तम हो। इसलिए तुमसे युद्ध करते समय हम लज्जित नहीं। तुमसे अधिक कहना व्यर्थ है। तुम देवताओं का राज उन्हें लौटा दो। हे दूत, तुम यह सब बातें अपने स्वामी शंखचूड़ से जाकर कह देना, उसको जो अच्छा लगे वही कर लेगा। अब शंखचूड़ के पास दैत्य आया, उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। नारद दूत के मुख से ऐसी बातें सुनकर शंखचूड़ अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने युद्ध करना ही उत्तम समझा। उसने कहा कि युद्ध करने में ही फायदा है, और वो खड़ा हो गया युद्ध के लिए युद्ध स्थल में जा खड़ा। शिवजी भी अपनी सेना साथ युद्ध स्थल में पहुंचे, इंद्र पुरुष प्रिय के साथ, शुक्र बृहस्पति के साथ तथा मृत्यु पुष्कर के साथ। इसी प्रकार दोनों ओर से प्रसिद्ध सेनापति परस्पर युद्ध करने लगे। उसी युद्ध में अनेक प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग किया गया, जिनके आघात से अनेक देवता दैत्य तथा हाथी घोड़े मारे गए। इस प्रकार वह युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा, ना किसी की विजय हुई और ना किसी की हार। अंत में दैत्यों ने देवताओं पर बड़े जोर का आक्रमण किया, जिससे भयभीत होकर देवता भागकर तितर बितर हो गए। यह देखकर वीरभद्र तथा नंदी आदि शिवजी के गण युद्ध क्षेत्र में आ उपस्थित हुए। वीरभद्र ने अपने त्रिशूल द्वारा सब दैत्यों को क्रूप बना दिया। उसी समय दैत्य भी युद्ध स्थल छोड़कर भागने लगे। शंखचूड़ ने जब अपनी सेना को इस प्रकार भागते हुए देखा, तो उसने अपने भागती हुई सेना को सांस बंधाया तथा स्वयं युद्ध करने चला गया और भीषण बाणों की वर्षा की। कुछ समय पश्चात ही नंदीपुन उठकर युद्ध करने लगे, बाण मारे नंदी पर बाण लगे। अब नंदी गिर गए। कुछ समय बाद वे फिर खड़े हो गए, परंतु कुछ समय फिर शंखचूड़ ने ऊपर वीरभद्र ने अपने त्रिशूल से आक्रमण किया। शंखचूड़ ने उसे भी काट डाला, जिससे वीरभद्र उसके बाद उसने आक्रमण किया और वीरभद्र घायल हो गया। थोड़ी देर बाद वीरभद्र तुरंत उठ के बैठ गया। क्षेत्रपाल दैत्य से युद्ध करने लगे। फिर भैरव ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से मारा, जिससे वह चेतक पर गिर पड़ा। उसी समय भयानक युद्ध हुआ। तभी भैरव को यह आकाशवाणी सुनाई दी कि शंखचूड़ शिवजी के अतिरिक्त और किसी से नहीं मरेगा, इसलिए तुम लोग शिवजी के निकट जाओ और उनसे निवेदन करो कि शंखचूड़ को मार डालें। इस आकाशवाणी को सुनकर भैरव तथा अन्य सब गण शिवजी के पास गए और युद्ध का सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शिवजी के गणों द्वारा देवताओं की पराजय तथा अपने गणों की दुर्गति का समाचार सुनकर वीरभद्र का दैत्यों से युद्ध करने का आदेश दिया, और वीरभद्र तुरंत ही शिवजी का आज्ञा अनुसार सेना सहित युद्ध स्थल में गए। और वहां पहुंचकर वीरभद्र ने शिवजी के समान शंख बजाया तथा क्रोध प्रकट किया। उस शंख की ध्वनि को सुनकर तथा वीरभद्र के क्रोध को देखकर दैत्य कांप गए। वीरभद्र ने अपने भयानक आक्रमण से एक अक्षौहिणी दैत्य सेना का नाश कर दिया। उस समय युद्ध क्षेत्र रक्त से लाल हो उठा, सहस्त्रों कबंद इधर उधर फिरने लगे। फिर वीरभद्र ने भी क्रोधित होकर एक करोड़ों दैत्यों को मार डाला। अंत में विप्रचित वृष प्रवाह
ध्रुवासुर तथा वीर विकम्पा ये चारों महाबली दैत्य वीरभद्र के सम्मुख हुए तथा अलग अलग युद्ध करने लगे। फिर भैरव ने दैत्य को खाना शुरू कर दिया। उसी समय सब दैत्य पराजित हो गए। अपनी सेना को इस प्रकार शंखचूड़ ने कवच को कंठ में पहन मारता हुआ देखा तो कवच को कंठ में पहन लिया और विमान पर चढ़ बहुत बड़ी सेना साथ ले मारू बाजे बजवाता हुआ युद्ध स्थल पर पहुंचा और अपनी भागी हुई सेना को एकत्रित किया। फिर उसने अपने धनुष को तानकर ऐसी बाण वर्षा की जिसे आकाश बाणों से भर गया और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। शंखचूड़ ने अपनी माया से पर्वत सर्प अग्नि आदि को उत्पन्न किया तथा उनकी वर्षा आरंभ कर दी। यह देखकर वीरभद्र ने आश्चर्यचकित तो शिव से स्मरण किया कि महाशक्ति को छोड़ा उस शक्ति ने दैत्यों की इस माया को बिल्कुल नष्ट कर दिया। तब शंखचूड़ ने क्रोधित होकर वीरभद्र को रथ तथा धनुष को अपने अत्यंत पवित्र बाण से काट डाला। वीरभद्र के रथ के घोड़े मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब शंखचूड़ ने दूसरा बाण वीरभद्र पर छोड़ा और वीरभद्र मूर्छित होकर गिर पड़ा। उन्होंने जब वीरभद्र को चेत हुआ तब दूसरे रथ पर चढ़कर शंखचूड़ युद्ध करने लगा। उन्होंने उसके रथ घोड़े शक्ति काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उसके सारथी को मारकर अपनी शक्ति से शंखचूड़ को भी चेत कर दिया। थोड़े समय के पश्चात जब शंखचूड़ सचेत होकर उठा तथा गर्जन करने लगा तब वीरभद्र ने उसे पुनः अपनी शक्ति से गिरा दिया। इस प्रकार वीरभद्र ने कई बार उसे अचेत करके गिराया परंतु शंखचूड़ ने उठकर अंत में अपनी सांग से वीरभद्र पर आक्रमण कर दिया। हे नारद, तब मृतक वीरभद्र को महाकाली ने उठाकर शिव जी के पास ले जाकर रख दिया क्योंकि वीरभद्र की मृत्यु हो गई। काली ने सोचा लिया। उसी समय शिव जी ने वीरभद्र को स्पर्श किया जिससे वह पुंजीवित हो गया। वीरभद्र चिल्लाने लगा तथा फिर से युद्ध स्थल में पहुंच गया। उन्होंने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ तथा आक्रमण किया तब शंखचूड़ उसके घास से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब वह सचेत हुआ तब उसने वीरभद्र पर बाण वर्षा की परंतु वीरभद्र पर बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वीरभद्र के हृदय में उसने बरछी मारी पृथ्वी पर गिर पड़े। शंखचूड़ ने वीरभद्र को पुनः अपने त्रिशूल से मारना चाहा। उसी समय माँ काली समस्त गुणों ने आकर उनकी रक्षा की। दैत्यों ने भी अपनी भागी हुई सेना को फिर एकत्रित किया और दोनों सेनाएं पूर्ण रण क्षेत्र में आ डटी और अंत में युद्ध आरंभ हो गया। इस बार युद्ध बहुत भयानक हुआ जिससे दिन रात समान दिखाई देने लगे। फिर काली जी ने महामद का पान कर नृत्य कर आरंभ कर दिया। यह देखकर दैत्यों को अत्यंत दुख और शोक हुआ। डरने लगे कि अब क्या होगा काली मैया आ गई। तब शंखचूड़ फिर सब दूत को एकत्रित करके रण क्षेत्र में पहुंचा और वीरभद्र से युद्ध करने लगा। जिस प्रकार फूले हुए डाक के वृक्षों जो शंखचूड़ ने अग्निवान चलाकर चारों ओर अग्नि खिला दी तब वीरभद्र ने वरुणास्त्र छोड़कर अग्नि को बुझा दिया। अंत में शंखचूड़ ने अपने बाणों का कोई प्रभाव ना देखकर नारायण बाण छोड़ा परंतु वीरभद्र ने उसको भी पशुपात अस्त्र से दूर कर दिया। तब शंखचूड़ ने चक्कर छोड़ा उसे महाकाली ने तुरंत निगल लिया। अब शंखचूड़ को किसी प्रकार विजय प्राप्त ना करने दी। फिर काली जी ने अपने धनुष जिसका शब्द अंतकाल से कम ना था खींचकर अग्निवान छोड़ा परंतु शंखचूड़ ने वैष्णव वस्त्र द्वारा उसे दूर कर दिया। तब काली ने नारायण अस्त्र छोड़ा परंतु शंखचूड़ ने अपने रथ से उतरकर उसे दंडवत किया जिससे वह निष्फल होकर वापस हो गया। शंखचूड़ ने दिव्य शस्त्र शक्ति आदि काली जी पर चलाए परंतु वह सब निष्फल थे क्योंकि वह तो महाकाली थी। तभी उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे काली, तुम यह अस्त्र किस लिए छोड़ती हो? शंखचूड़ तुमसे मरने वाला नहीं है, तो कृष्ण का परम भक्त है। महाकाली ने उस आकाशवाणी को सुनकर अस्त्र को ना छोड़ा। शंखचूड़ ने अपने खड़क को छोड़ा परंतु काली जी ने उसे खा लिया। मुख खोलकर शंखचूड़ को खाने के लिए चली परंतु वह अपनी माया से गुप्त हो गया। काली ने उसके रक्त था सारथी को नष्ट कर डाला। तब शंखचूड़ फिर प्रकट हुआ। काली जी ने उसे उठा तथा घुमाकर आकाश की ओर फेंक दिया। शंखचूड़ ने उठकर काली को प्रणाम किया तथा विमान पर चढ़कर निर्भय हो युद्ध करने लगा। महाकाली ने शंखचूड़ में ऐसा धैर्य देखकर अपना महाभयंकर शरीर बनाया तथा रुद्र महाधनुष हाथ में लेकर सोचा कि अब इससे प्रलय करें परंतु कभी आकाशवाणी हो गई, काली जी इसकी मृत्यु तुम्हारे हाथों से नहीं होगी, शिव के हाथों से होगी। महाकाली जी स्थल से हटकर शिव जी के पास गई और सेना के साथ ले जाकर शिव सवृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर शिव जी अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने अपनी माया का स्मरण किया तथा शंखचूड़ को पहले जन्म का वृत्तांत कहा। उसके पश्चात शिव जी अपने गणों सहित बैल पर चढ़कर युद्ध स्थल में गए और क्षेत्रपाल वीरभद्र भैरव नंदी सब दृष्टिपात किया। सबको माँ शक्ति प्राप्त हुई। तब वे सब अस्त्र शस्त्र लिए तथा भयंकर रूप धारण किए हुए युद्ध स्थल में वापस आए। उसी समय शंखचूड़ ने शिव जी को देखकर रथ से उत्तर का प्रणाम किया। फिर वे शिव जी की आज्ञा अनुसार धनुष बाण लेकर शिव जी से लड़ने लगा।
सौ वर्षों तक दोनों लड़ते रहे। नारद उसी समय में अपने कुल सहित तथा सभी वैकुंठवासी आकाश में स्थित होकर शिव पुत्र को देखने लगे। शंखचूड़ ने जो वाण छोड़े वह शिव जी ने तुरंत काट डाले। अंत में शंखचूड़ ने क्रोध जोकर शिव जी को चक्कर मारा। शिव जी ने उस चक्कर को अपने गुस्से में चूर चूर कर दिया। जब उसकी मूर्छा शंखचूड़ को भी घायल पृथ्वी पर गिरा दिया। जब मूर्छा दूर हुई तब वह पूर्ण रथ पर चढ़कर शिव के पास आया। शिव ने शंखचूड़ को आते देखकर डमरू बजाया। श्रृंगी नाद कर अपना धनुष टंकार जिससे यह प्रतीत होता था कि अंतकाल आ गया है। शिव जी तथा शंखचूड़ परस्पर लड़ने लगे। उस युद्ध को देखकर सब डर गए। अंत में शिव ने उसकी समस्त भुजाएं काट डाली और वह झपटा। शिव जी ने तुरंत त्रिशूल से शंखचूड़ के हृदय को फाड़ दिया। उधर के फटते ही उसमें से एक मनुष्य तिष्ट तिष्ट करता निकला। शिव जी ने अपने अस्त्र से उसका भी सिर काट डाला। वह फिर कटकर कांपने लगा, भयंकर रूप धारण कर देवताओं को बहुत दुख पहुंचाने लगा। तो सदाशिव की आज्ञा के अनुसार काली जी दैत्यों की सेना में घुस गई और दैत्य को खाने लगी। उस प्रकार उन्होंने अनेक पक्षियों आदि को खा डाला। महामारी ने भी सेना का ग्रास किया। क्षेत्रपाल भैरव नंदी वीरभद्र ने भी बहुत से दैत्य को खाया तथा अनेक को नष्ट कर दिया। शिव जी के सारे सेनापति दैत्य को मारकर नष्ट करने लगे। योगिनीगण दैत्य को खाने लगी। ज्वर ने भी शरीर धारण कर दैत्य को मार डाला। उसी समय सब दैत्य इसे दुर्गति देखकर वहाँ से भाग गए, क्योंकि सन्निपात ने भी अनेक दैत्यों को दुखी किया तथा नंदी ने भी दैत्य को मार डाला। अंत में इस प्रकार दैत्यों पर विजय प्राप्त कर शिव जी भी परमानंदित हो गए। शंखचूड़ ने इस प्रकार अपनी सेना का दुर्गति देखकर शिवगणों को डांट चपटो कर बोला कि तुम लोग मेरे सन्मुख कर लड़ो, दैत्य को मारने से क्या लाभ होगा। शिव जी पर तीक्ष्ण बाण मारा परंतु शिव ने सबको काट डाला। उसी समय मैंने तथा विष्णु जी ने शिव जी की जय जयकार की। तब शिव ने क्रोध करके चाहा कि शंखचूड़ को मार डालें। उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि शिव जब तक शंखचूड़ कृष्ण कवच पहने रहेगा तथा उसकी पत्नी तुलसी पतिव्रता रहेगी या नहीं मरेगा। हे नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर शिव ने अपना त्रिशूल नहीं छोड़ा। उसी समय विष्णु जी शिव जी की भाषा जानकर उपस्थित हुए। बोले, शिव आपकी जो आज्ञा हो बताइए, मैं उसे पूरा करूँगा। तब शिव ने कहा कि विष्णु जी, तुम किसी प्रकार से शंखचूड़ के कंठ से कृष्ण कवच उतार लो तथा उसकी स्त्री को पतिव्रत धर्म नष्ट कर डालो। शिव की ऐसी आज्ञा सुनकर विष्णु जी ब्रह्मा के रूप में शंखचूड़ के पास गए। शंखचूड़ ने उन ब्राह्मण को रूपधारी विष्णु को प्रणाम किया। तब ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद देकर कहा कि शंखचूड़, तुम मुझे पानी पिलाओ। शंखचूड़ ने अत्यंत आदर के साथ उस ब्राह्मण को पानी पिलवाया। तब ब्राह्मण ने कहा, शंखचूड़, तुम हमको कृष्ण कवच दे दो। यद्यपि कृष्ण कवच शंखचूड़ को अत्यंत प्रिय था, फिर भी क्योंकि ब्राह्मण ने मांग की थी, पहले दैत्य लोग भी ब्राह्मणों का बड़ा मान किया करते थे। छल किया और कहा कि मुझे ये दे दो। तब शंखचूड़ ने क्या किया, उसने आशीर्वाद देकर कहा कि हे शंखचूड़, तुम मुझे पानी पिला दो। उसने पानी पिलाया। शंखचूड़ ने अत्यंत आदर के साथ ब्राह्मण को पानी पिलाया। उसके बाद ब्राह्मण ने कहा कि हे शंखचूड़, हमको कृष्ण कवच दे दो। यद्यपि कृष्ण कवच शंखचूड़ को अत्यंत प्रिय था, फिर भी उसने उस ब्राह्मण को दे दिया। नारद, यदि शत्रु ब्राह्मण बनकर कोई वस्तु मांग ले तो उसे निश्चित दान कर दे, चाहे प्राण भले ही चले जाए परंतु ब्राह्मण विमुख न जाए। पहले ब्राह्मणों की इतनी महत्ता थी कि ब्राह्मण यदि कुछ मांग लेते तो उसको दान में दिया जाता था। भिक्षुक ब्राह्मण बन कर जाए उसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा। जिसके यहाँ भिक्षुक निराश होकर ना लौटे उसके धन्य भाग्य हैं। इसी उदारता पर राजा बलि, दिदिजी, जरासंध, सांख्य आदि अत्यंत कीर्तिवान हुए। उसके पश्चात विष्णु जी शंखचूड़ के रूप में उसके घर गए तथा बड़े चरित्रों से उसकी स्त्री का धर्म नष्ट किया। फिर उन्होंने रोड़कर शिव जी से सब वृत्तांत कहा। शिव जी ने उसे सुनकर अपने विजय त्रिशूल को उठा लिया। पृथ्वी प्रकाश पर भी दिखाई देते थे। मध्य काल में सूर्य समान तेजस्वी था। उसी समय सब शास्त्र थे। शिव जी ने उस त्रिशूल को छोड़ा। शंखचूड़ तुरंत जलकर भस्म हो गया। अपना काम करके पूर्ण शिव जी के पास त्रिशूल वापस आया। शिव जी द्वारा शंखचूड़ का वध तथा दैत्यों पर अपने विजय देखकर देवता बड़े प्रसन्न हुए। शंखचूड़ मरकर गोलोक में जा पहुंचा। देवता एवं मुनि जो विष्णु जी के परिवार में हैं, उन सबको भी शंख बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु वह शंख शिव जी को प्यारा नहीं है। उस समय में इंद्र तथा समस्त देवता शिव जी के पास गए और उनके बहुत स्तुति कर बारंबार प्रणाम एवं दंडवत की। फिर शिव जी के आज्ञा पाकर सब देवता अपने अपने घर चले गए।
उस समय सबके दुख दूर हो गए तो संपूर्ण संसार में आनंद छा गया। इसके पश्चात शिव जी अपने गणों सहित कैलाश पर गए। जो मनुष्य शिव जी के इस चरित्र को सुने अथवा पढ़े उसको किसी प्रकार का दुख ना होगा, सबके दुख इस इतिहास को सुनकर भस्म हो जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। तभी नारद जी ने कहा, पिताजी अब आप मुझे ये बताइए कि विष्णु जी ने किस प्रकार से तुलसी का पतिभ्रम धर्म नष्ट किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद यह चरित्र शिव जी या विष्णु जी की भक्ति को अधिक बढ़ाता है, इसलिए तुम इसको मन लगा कर सुनो। विष्णु जी शंखचूड़ का शेष धारण कर तुलसी के घर गए और उसके पति का रूप धारण करके गए। उसको क्या पता बेचारी को, वो तो पति प्रता है ना, अपनी विजय के बाजे बजवा दिए। यह देखकर तुलसी अत्यंत प्रसन्न हुई और बहुत सा धन आदि भिक्षुकों को ब्राह्मणों को दान कर दिया कि मेरे पति तो आज युद्ध में जीत कर आए हैं, और अपना श्रृंगार करके पति के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। जब विष्णु जी शंखचूड़ के रूप में अंदर तुलसी के ने उनके चरण धोकर स्तुति की, फिर चांदी की चौकी पर बैठाकर तांबूल दिए, फिर हाथ जोड़कर बोले, स्वामी मेरे धन्य भाग्य हैं जो आप विजय प्राप्त होकर आए हैं। तुलसी ने शिव की स्तुति करके पूछा कि आपने उन पर किस प्रकार विजय की। विष्णु जी ने कहा, तुलसी हमने नुस्थल में जाकर बहुत लड़ाई की, देवता हमारे प्रकरण से भयभीत होकर भाग गई। उस समय ब्रह्मा जी ने हमें दोनों में सुलह करवा दी और हमने भी ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार सुलह कर ली। भगवान अपने लोट को और हम इधर लौट आए। तुलसी का वृतांत सुनकर विष्णु जी सेज को सजा हुआ देखकर तुलसी के साथ भोग विलास करने लगे, परंतु तभी तुलसी को कुछ संदेह उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि कहीं ये मेरे पति के रूप में कोई अन्य मनुष्य तो नहीं है। यह सोचकर तुलसी ने विष्णु से कहा, तुम शंखचूड़ नहीं हो, तुमने मेरे साथ छल किया है तथा मेरे पति पर धर्म को नष्ट किया है, अब सत्य सत्य बताओ तुम कौन हो। तब विष्णु ने डर कर कहा कि तुलसी हम विष्णु हैं, हमने यह कार्य देवताओं की भलाई के लिए कहा किया। यह सुनकर विष्णु ने उसे अपने स्वरूप में दर्शन दिए। जब तुलसी ने विष्णु को इस प्रकार देखा तो क्रोधित होकर बोले, विष्णु जी तुमने मेरे पतिव्रत धर्म को छल दिया तथा इस प्रकार छल से मेरे स्वामी को मरवा डाला, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर हो जाओ। जो लोग तुमको दया सिंधु कहते हैं वे मूर्ख हैं, ये कहकर तुलसी रोने लगी। यह देखकर विष्णु जी डर गए और शिव का ध्यान किया, बोले, बाबा ये क्या हो गया, हम तो देवताओं का काम करने के लिए विष्णु भगवान को वहाँ भेजे थे, वहाँ तो काम उल्टा पड़ गया, विष्णु भगवान के ऊपर ही कोप हो गया, पत्थर बन गए हैं, अब क्या करें। उन्होंने शिव जी का ध्यान किया, उसी समय शिव जी ने तुलसी को दर्शन दिए तथा बोले, हे तुलसा सब लोग अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, संसार में दुख सुख कोई वस्तु नहीं, संसार समुद्र के समान है जिसमें दोनों प्रकार का जल है, तृष्णा उसकी लहर है, बिना धर्म के उसे कोई पार नहीं कर सकता। तुम दोनों से हम यही कहते हैं कि तुमने प्रथम जो योग तथा तप किया था वह किसी प्रकार निष्फल ना होगा। तुम दोनों हमारे भक्त हो, तुम्हारा पति कृष्ण जी का मित्र सुदामा था, उसे राधिका जी ने शाप दिया था इसलिए वह यहाँ आकर उत्पन्न हुआ, अब वह मारा गया तथा इसी शरीर को त्याग कर फिर उसने वैसा शरीर धारण कर लिया। तुम भी शरीर का त्याग करो तथा विष्णु जी के साथ विहार करो, देवताओं की भलाई के लिए हमने तुम्हारे पति का वध किया था, इस पर क्रोध न करना। अब तुम नदी होकर गंडकी नदी के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा समुन्दर जो विष्णु जी के अंश से है उसकी स्त्री होकर विहार किया करोगी। इसके अतिरिक्त तुम दोनों एक और रीति से इकट्ठे रहोगे, अर्थात तुम पृथ्वी पर इस नाम अर्थात तुलसी के नाम से प्रसिद्ध होकर उत्पन्न होगी तथा विष्णु के शरीर पर चढ़ा करोगे, जिससे विष्णु अपने कर्मों का फल पाएंगे। विष्णु तुम्हारे शाप से पत्थर बनकर गंडकी नदी के तीर पर स्थित रहेंगे, उस जगह बड़े बड़े तीक्ष्ण दांतों वाले भयानक जीव उत्पन्न होकर पत्थर को काट काट कर बहुत से गोल सीधे टुकड़े बनाएंगे। वे टुकड़े शालग्राम के नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा जो टूटे फूटे टुकड़े होंगे केवल पत्थर ही कहलाएंगे। हे तुलसी वेद ने चक्र के वेद से शालग्राम शिला का बहुत विस्तार से वर्णन किया, तुम्हारी भेंट और शालग्राम शिला के साथ सदैव हुआ करेगी, जो पुण्य को बढ़ाने वाली तथा पापों को नष्ट करने वाली समझी जाएगी। तुम शंखचूड़ की स्त्री हो तथा तुमने बहुत समय तक उससे विहार किया, इससे तुम्हारा संयोग शंख के साथ भी हुआ करेगा। शिव जी तुलसी से ये बातें कहकर अंतर ध्यान हो गए। तब तुलसी भी प्रसन्न हो अपना शरीर त्याग बैकुंठ को चली गई। वह सुंदर स्वरूप धारण कर विष्णु जी के साथ विमान पर चढ़ी, उसको हर प्रकार का आनंद प्राप्त हुआ। तुलसी का प्रथम शरीर से गंडकी नदी उत्पन्न होकर तेजवती हुई, जो कि मनुष्य उसके जल को देखता है, जहाँ स्पर्श करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके तट पर विष्णु जी के पर्वत के आकार में स्थित हुए, जिनके दर्शन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ बड़े बड़े कठोर दांत वाले कीड़े इकट्ठे
इकट्ठे होकर शिलाओं में बड़े बड़े छेद किया करते हैं, जिनमें उनमें जो टुकड़े होकर गंडकी नदी में गिरा करते हैं वही शालिग्राम की मूर्तियाँ हैं, जो अत्यंत पवित्र तथा दुख दूर करने वाली हैं। उनमें जो चक्र सहित हो वो पूजने के योग्य हैं। उनके लक्ष्मी नारायण आदि अनेक प्रकार हैं। जो टुकड़े नदी से बाहर मिलते हैं वे पिंगल नादि नामों से प्रसिद्ध हैं तथा ग्रस्त के पूजन योग्य नहीं हैं। जो मनुष्य चारों वर्णों के बाहर है वे उन्हें पूजने के योग्य है। वे मूर्तियाँ दो प्रकार की हैं, एक तो आनंद देती है तथा दूसरा दुख प्रदान करती है। यह शालग्राम शिला शुद्र वर्ण के पूजने योग्य नहीं है। शालग्राम शिला की बहुत बड़ी बड़ाई है, जैसे कि नर्मदा के पत्थरों की महिमा है। शालग्राम तथा नर्मदा की मूर्तियाँ स्वयं विष्णु एवं शिव का स्वरूप है। नारद, शालग्राम और शिला को तुलसी पत्थर अत्यंत प्रिय है। कदाचित यदि तुलसी पत्र से अलग शालग्राम की मूर्ति रखी जाए तो बहुत ही दुख प्राप्त होता है, वह स्त्री का वियोग होता है। इस प्रकार शालग्राम को शंख का वियोग भी अत्यंत दुखदायी है। अब तुलसी शंख शालग्राम एकत्रित करें तथा एक स्थान पर रखें तो दोनों तीन लोकों का सुख प्राप्त होता है। नारद, विष्णु जी की जो कथा मुक्ति प्रदान करने वाली है, इसको सुनने अथवा सुनाने से आनंद मिलता है। शंख चूड वध तथा शिव जी का चरित्र संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। इस कथा में विष्णु जी का यश भी कहा गया है, इसीलिए यह और भी आनंददायक है। शिव जी भक्तों के दिन रहकर ऐसे ही अद्भुत लीलाएं अथवा करते रहते हैं। तो हमने सुना किस प्रकार गंडकी नदी पैदा हुई और उसमें जो पत्थर रूप शालग्राम हुए और वो शालग्राम उनमें से कौन से शालग्राम के रूप में पुल जाते हैं, क्योंकि दो तरह के पत्थर बताए गए हैं। तो इस तरह से हमें 39वें अध्याय में शालग्राम की महिमा के बारे में बताया गया, तुलसी की महिमा के बारे में बताया गया, शंख की महिमा के बारे में बताया गया। 40वां अध्याय आरंभ। हे पिता, नारद जी बोले, अब मेरी अभिलाषा शिव जी द्वारा अंधकासुर के वध की कथा सुनने की है। आप कृपा करके बताएं कि अंधकासुर का वध किया कैसे और उसका वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब विष्णु जी ने नरसिंह तथा वारा अवतार लेकर दिति के पुत्रों को मारा तो दिति ने बड़ा विलाप किया और कश्यप की शरण में जाकर सेवा करने लगी। वे अपने पति कश्यप को प्रसन्न करने के लिए सब श्रृंगार छोड़ ब्रह्मचर्य धारण करने लगी। यह केवल कश्यप की इच्छा के अनुसार ही मीठे वचन कहती तथा अधिक बातचीत नहीं करती। तब एक दिन कश्यप ने प्रसन्न होकर यह कहा कि विदिति, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, मांगो। क्या मांगती हो? उन्होंने पतिव्रत धर्म का वर्णन करते हुए कहा है, विदिति, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको हम तुम्हें दे नहीं सकते और शिव की कृपा से दे ना सके। अपने पति को इस प्रकार प्रसन्न देखकर विदिति ने कहा, स्वामी, देवताओं ने मेरे साथ शत्रुता करके विष्णु जी के द्वारा मेरे दोनों पुत्रों को मरवा डाला, अनेक दैत्यों का वध करवा डाला। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। मैं आपकी शरण में आई हूँ, अब कृपा करके मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो देवताओं के हाथ से ना मर सके। हे नारद, कश्यप ने दिति की बातों को सुनकर उसे वरदान दिया कि दिति, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। मृत्युंजय जो रुद्र है उनके समान संसार में कोई दैत्य अथवा देवता नहीं, उसके सामने विष्णु तथा ब्रह्मा भी कुछ नहीं चलती। इसलिए जब तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो तब तुम उसे यही भली बात समझा देना कि वह किसी प्रकार मृत्युंजय को क्रोधित ना होने दे, क्योंकि शिव जी के क्रोधित होने पर वह फिर कोई रक्षा नहीं करता। इतना कहकर कश्यप जी चुप हो गए। तदुपरांत दिति कश्यप के तेज से गर्भवती हो गई। दिति का तेज इतना बड़ा कि कोई मनुष्य उसके तेज के कारण उसकी ओर देख भी नहीं सकता था। 10वें मास में दिति के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वचित्र स्वरूप तथा अर्थात उसके एक सहस्त्र सिर, 2 सहस्त्र आँखें, 2 सहस्त्र पाँव तथा 2 सहस्त्र भुजाएँ थी। सुंदर तेजस्वी, हृष्टपुष्ट, उसको यदि सब मुनि तथा देवता मिलकर उठावें तो भी उठा ना पाए। अंधों के समान इधर उधर झुककर चलता था, इसलिए उसका नाम अंधक रखा गया। जैसा उसका अंधक नाम था उसे पुकार के सब कार्य भी थे। अंधक कुमार ने संसार में अनेक उपद्रव मचाए तथा देवताओं से समस्त रत्न आदि लात मार कर छीन लिए। इस प्रकार अंधक अन्य दैत्यों को अपने साथ लिए हुए तीनों लोकों में अनेक प्रकार के उपद्रव करता रहा। वह इंद्र की सभा में जाकर इंद्रासन पर बैठा, केवल देवताओं को ही नहीं इंद्र को भी आज्ञा प्रदान करता था। देवताओं को तो वह सेवकों के ही समान समझता था। एक दिन दैत्यों के अधिपति उसके पास आकर प्रणाम करके पश्चात बोले कि अंधक, संसार में जितने देवता तथा मुनि हैं तुम्हारे शत्रु हैं, उन्होंने बड़े छल कपट से दैत्यों का वध किया। इंद्र भी दैत्यों का घोर शत्रु है, उसने पहले दैत्यों को जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ था मार डाला। देवताओं के मनुष्यों के समस्त हम दैत्यों को बहुत बड़ा वन डाला, जला डाला। अब दैत्यपति की ऐसी बातें सुनकर अंधक तुरंत ही
तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो गया। भड़क गया कि ये क्या है, कथा सुन ली पिछली। यह देखकर देवता तथा मुनि सब अत्यंत दुखी हो गए कि अब तक तो ठीक था, अब तो और भी भयानक हो गया, ये अब क्या करेंगे। तब इंद्र ने स्वयं कश्यप के पास जाकर अत्यंत विनयपूर्वक कहा कि पिता, आपने देवताओं के बड़े आनंद से रखा, परंतु जब अंधक सबको निकाल देता है, आप देवता तथा मुनियों को ऐसे दुख क्यों नहीं देते देखते। वह क्षण क्षण पर हमको आज्ञा दिया करता है तथा हमसे छोटा होते हुए भी हमसे बड़ा नहीं मानता है। पिता, इस प्रकार का कार्य करने से बड़ा उपद्रव होगा, तीनों लोगों का काम बिगड़ जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार हमने सुना कि कैसे पिछले अध्यायों में हमने सुना कि शंखचूर का कैसे वध हुआ और कैसे वो शंख विष्णु और अन्य देवताओं को प्रिय हुए, कैसे तुलसी जी का जन्म हुआ और वो गंडकी नदी बनी, और कैसे भगवान विष्णु को प्रिय हुई, कैसे शालग्राम के साथ उनको पूजा जाता है। तो इस तरह से शालग्राम की महिमा, तुलसी की महिमा और शंख की महिमा इस 31 से लेकर 40 तक के अध्याय में सुनाई गई है। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और अब कैसे अंधकासुर का वध किया भोलेनाथ ने, ये कथा सुनने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।